Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 3, the Peter King's Summer Journey of your new English fairy book. This is given on page number 29. Let's start with warm-up exercise. Is there something that you always take with you when you go on a journey? क्या कोई ऐसी चीज है जो आप हमेशा साथ ले जाते हैं जब आप कहीं यात्रा पर जाते हैं? Why do you always take it? आप उसे हमेशा क्यों ले जाते हैं? Share your responses with your classmates. और आपको अपने responses अपने classmates के साथ सहपाठियों के साथ बांटने हैं. Now let's start reading. The Peterkin family has Mr. and Mrs. Peterkin and their 6 children. पीटर किंग फैमिली में मिस्टर और मिसेस पीटर किंग हैं और उनके 6 बच्चे हैं. एगामेमनन, सोलोमन, जॉन, एलिजाबेथ, एलिजा एंड 3 लिटिल बॉयज. इन सब के साथ 3 छोटे बच्चे भी हैं. द फैमिली डज नॉट लैक मनी. फैमिली में पैसे की कोई कमी नहीं है. ओनली अ बिट ऑफ कॉमन सेंस. कॉमन सेंस की बहुत कमी है. देयर नेबर द लेडी फ्रॉम फिलाडेल्फिया whom they consider very wise. उनकी पड़ोसी एक लेडी है जो फिलाडेल्फिया से हैं, जिन्हें वो बहुत बुद्धिमान समझते हैं. Often rescues them from trouble. वो अक्सर उन्हें परेशानियों से बचाती हैं. Read the story about the Peterkin family preparing to go on a journey over 2 summers. आइए ये स्टोरी पढ़ते हैं जो पीटरकिन परिवार की है, जो 2 गर्मियों के मौसम से यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं. फाइंड आउट व्हाट ट्रबल्स देम ईच टाइम. और आइए पता लगाते हैं कि हर बार उन्हें क्या परेशान करता है. एंड वेदर दे आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. और क्या वो अपनी समस्या का हल निकाल पाते हैं? लेट्स स्टार्ट. In fact, it was their last summer's journey, for it had been planned then. यद्यपि ये उनके पिछले गर्मियों की यात्रा थी, जिसे उन्होंने तब प्लान किया था, तब जाने की योजना बनाई थी. But there had been so many difficulties, it had been delayed. लेकिन उसमें इतनी परेशानी आई, इतनी कठिनाइयां आई कि उन्हें ये यात्रा टालनी पड़ी और इसमें देर होती गई. The first trouble had been about trunks. जो पहली परेशानी थी वो थी ट्रंक्स के बारे में, यानी किसमें सामान पैक करें, बॉक्सेस के बारे में. द फैमिली डिड नॉट ओन अ ट्रंक सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग. परिवार के पास कोई ऐसा बड़ा सा बॉक्स नहीं था उनकी यात्रा के लिए सुटेबल था. एगामेमनन हैड हिज वैलाइज. एगामेमनन के पास एक छोटा सा बैग था. दैट ही हैड यूज्ड व्हेन ही स्टेड अ वीक at a time at the academy. जो उसने उस समय यूज किया था जब वो academy में एक वीक के लिए रुका था. And a trunk had been bought for Elizabeth Eliza when she went to the seminary. और वो trunk Elizabeth Eliza के लिए लाया गया था जब वो seminary यानी अपने स्टडीज के लिए गई थी. सोलोमन, जॉन एंड मिस्टर पीटरकिन ईच हैड हिज पेटेंट लेदर हैंडबैग. सोलोमन, जॉन और मिस्टर पीटरकिन तीनों के पास अपना एक चमकता हुआ चमड़े का बैग था. बट ऑल दीज वर टू स्मॉल फॉर द फैमिली. लेकिन ये सारी चीजें परिवार के लिए बहुत छोटी थी, परिवार का सामान रखने के लिए बहुत छोटी थी. एंड द लिटिल बॉयज वॉन्टेड टू कैरी देअर काइट. और जो छोटे 3 लड़के थे वो साथ में अपनी काइट ले जाना चाहते थे. मिसेस पीटरकिन सजेस्टेड हर ग्रैंड मदर्स ट्रंक. मिसेस पीटरकिन ने सलाह दी कि हम दादी माँ का ट्रंक ले जाते हैं, बक्सा लेते हैं. दिस वॉज अ हेयर ट्रंक, वेरी लार्ज एंड कैपेशियस. और ये पुराना पुश्तैनी ट्रंक था, बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारी जगह थी. इट वुड होल्ड एवरीथिंग दे वुड वॉन्ट टू कैरी एक्सेप्ट वॉट वुड गो इन एलिजाबेथ एलिजास ट्रंक और द वेलाइज एंड बैग्स. ये इतना बड़ा था कि वो जो कुछ भी ले जाना चाहते थे वो सब उसमें आ जाता, केवल उन चीजों को छोड़ के जो एलिजाबेथ एलिजा के बॉक्स में या फिर बैग्स में आती. एवरीबडी वॉज डिलाइटेड एट दिस आइडिया.
इस आइडिया से हर कोई खुश था। इट वॉज अग्रीड दैट द नेक्स्ट डे द थिंग्स शुड बी ब्रॉट इन टू मिस्टर पीटरकिंस रूम फॉर हर टू सी इफ दे कुड ऑल बी पैक्ड। और ये डिसाइड हुआ कि अगले दिन सारी चीजें मिसेस पीटरकिन के कमरे में लाई जाएंगी, जिससे वो ये डिसाइड कर लें कि क्या सारी चीजें पैक हो सकती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस पीटरकिन बिगैन बाय टेकिंग आउट द थिंग्स दैट वर ऑलरेडी इन द ट्रंक। और अगली सुबह मिसेस पीटरकिन ने शुरू किया उस ट्रंक को खाली करना, जो बड़ा सा ट्रंक था उनकी ग्रैंड मदर का, जिसमें जो चीजें भरी हुई थी उन्होंने उसे एक एक करके निकालना शुरू किया। हेयर वर लास्ट ईयर्स विंटर थिंग्स, और यहाँ पर थी पिछले साल सर्दियों की चीजें। एंड नॉट ओनली दीज बट ओल्ड क्लोथ्स दैट हैड बीन पुट अवे, बल्कि कुछ पुराने कपड़े भी थे जिन्हें अलग कर दिया गया था, यानी जिन्हें अब कोई नहीं पहनता था। मिसेस पीटरकिंस वेडिंग ड्रेस, साथ ही साथ उसमें मिसेस पीटरकिंस की वेडिंग शादी की पोशाक भी थी, ड्रेस भी थी। द स्कर्ट्स द लिटिल बॉयज यूज्ड टू वियर बिफोर दे पुट ऑन जैकेट्स एंड ट्राउजर्स, और वो तीन छोटे लड़के उनकी स्कर्ट्स थी वो उसे तब पहनते थे जब उन्होंने जैकेट और पैंट्स पहनना शुरू नहीं किया था। ऑल डे मिसेस पीटरकिन वर्कड ओवर द ट्रंक, पूरे दिन मिसेस पीटरकिन उस ट्रंक पर काम करती रही। पुटिंग अवे द ओल्ड थिंग्स पुटिंग इन द न्यू, पुरानी चीजें बाहर निकालती गई और नई चीजें अंदर रखती गई। शी पैक्ड अप ऑल द क्लोथ्स शी कुड थिंक ऑफ, उन्होंने वो सारे कपड़े पैक कर लिए जो उन्हें याद आ रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। बोथ समर एंड विंटर वंस, समर के भी कपड़े पैक कर लिए और साथ ही साथ विंटर्स के भी कर लिए। बिकॉज यू नेवर कैन टेल व्हाट सॉर्ट ऑफ वेदर यू विल हैव, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि वहां कैसा मौसम होगा। एगामेमनन फेच्ड हिज बुक्स, एगामेमनन अपनी किताबें ले आया। एंड सोलोमन जॉन हिज स्पाई ग्लासेस, और सोलोमन जॉन अपना एक छोटा सा टेलीस्कोप ले आया। There were her own and Elizabeth's best bonnets in a bandbox. और उसके अपने भी कुछ कपड़े थे, साथ ही साथ Elizabeth best की कुछ गोल टोपी रखने का एक बॉक्स था जिसमें वो गोल टोपियां रखती थी। Also Solomon John's hats. Solomon John की hats थी। For he had an old one and a new one. क्योंकि उनके पास एक पुरानी हैट थी और एक नई थी। Agamemnon brought down a large heavy dictionary and an atlas still larger. Agamemnon एक बड़ी सी भारी सी डिक्शनरी ले आया और साथ ही साथ एक एटलस जो उससे भी बड़ी थी। This contained maps of all the countries in the world, जिसमें संसार के सभी देशों के मैप्स थे। I have never had a chance to look at them, he said. मुझे इन्हें देखने का कभी मौका नहीं मिला, उसने कहा। But when one travels, then is the time to study geography. लेकिन जब कोई यात्रा करता है तो वो ही समय होता है ज्योग्राफी को पढ़ने का, भूगोल को जानने का। मिस्टर पीटरकिन वॉन्टेड टू टेक हिज टर्निंग लैथ, मिस्टर पीटरकिन अपनी लैथ को ले जाना चाहते थे। लैथ यानी वो टूल जो मेटल को या फिर वुड को शेप देने के काम आता है। सो मिसेस पीटरकिन पैक्ड हिज टूल चेस्ट, तो मिसेस पीटरकिन ने अपना वो टूल्स का बॉक्स भी पैक कर लिया। इट गेव हर सम ट्रबल, इसने उन्हें कुछ परेशान किया। फॉर इट केम टू हर जस्ट एज शी हैड पैक्ड हर समर ड्रेसेस, क्योंकि ये तब उनके पास आया था जब उन्होंने तुरंत ही अपनी समर की ड्रेसेस को पैक किया था। एट फर्स्ट शी थॉट इट वुड हेल्प टू स्मूथ द ड्रेसेस, पहले उन्होंने सोचा कि ये कपड़ों को स्मूथ रखने में, चिकना रखने में मदद करेगा। एंड प्लेस्ड इट ऑन टॉप, और उसे सबसे ऊपर रख दिया। बट शी वॉज फोर्स टू टेक ऑल आउट, लेकिन उसे मजबूरन सारी चीजें बाहर निकालनी पड़ी। एंड सेट इट एट द बॉटम, और उस बॉक्स को सबसे नीचे रखना पड़ा।
वहाँ पर सेट करना पड़ा। दिस वॉज नॉट सो मच मैटर, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, एज शी हैड नॉट येट द राइट ड्रेसेस टू पुट इन, क्योंकि अभी तक उसके पास वो क्या पहनेंगी वो सही पोशाक नहीं थी। बोथ मिसेस पीटरकिन एंड एलिजाबेथ एलिजा वुड नीड न्यू ड्रेसेस फॉर दिस ओकेजन। एलिजाबेथ एलिजा और मिसेस पीटरकिन दोनों को इस ओकेजन के लिए नई ड्रेस चाहिए थी। द लिटिल बॉयज हुप्स वेंट इन, और जो छोटे लड़के थे वो अंदर आ गए। सो डिड देयर इंडिया रबर बूट्स, और उनके साथ थे उनके नेचुरल रबड़ के बूट्स जूते, इन केस इट शुड नॉट रेन व्हेन दे स्टार्टेड, अगर जब वो यात्रा शुरू करे तब बारिश ना हो लेकिन आगे हो जाए तो। इसलिए उन्होंने अपने साथ वो रबड़ के बूट्स रख लिए। दे ईच हैड अ हो एंड अ शॉवल, और उन सबके पास अपना कुदाल और साथ ही साथ फावड़ा था, एंड सम बास्केट्स दैट वर पैक्ड, और कुछ टोकरियां थी जो पूरी तरह से भरी हुई थी, पैक थी। मिसेस पीटरकिन कॉल्ड इन ऑल द फैमिली ऑन द इवनिंग ऑफ द सेकेंड डे। मिसेस पीटरकिन ने फैमिली के सारे मेंबर्स को जब उन्होंने पैकिंग शुरू की थी उसके दूसरे दिन बुलाया टू सी हाउ शी हैड सक्सीडेड, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने पैकिंग करने में कितनी सफलता पाई है। एवरीथिंग वॉज पैक्ड, हर चीज पैक हो गई थी। इवन द लिटिल बॉयज काइट ले स्मूथली ऑन द टॉप, यहाँ तक कि छोटे तीन लड़कों की जो पतंगे थी, काइट्स थी, वो भी ऊपर आराम से रख दी गई थी। आई लाइक टू सी अ थिंग सो नाइसली डन, सेड मिस्टर पीटरकिन। मिस्टर पीटरकिन ने कहा मुझे अच्छे से रखी हुई चीजें पसंद हैं। द नेक्स्ट थिंग वॉज टू कॉर्ड अप द ट्रंक, अब अगली चीज थी उस ट्रंक को रस्सी से बांधना। एंड मिस्टर पीटरकिन ट्राइड टू मूव इट, और मिस्टर पीटरकिन ने उसे हिलाने की कोशिश की, बट नीदर ही नॉर एगामेमनन नॉर सोलोमन जॉन कुड लिफ्ट इट अलोन और ऑल टुगेदर, लेकिन ना ही वो और ना उनके बच्चे अकेले या फिर साथ मिलकर उसे हिला पाए। हेयर वॉज अ सीरियस डिफिकल्टी, अब ये भयंकर परेशानी थी। सोलोमन जॉन ट्राइड टू मेक लाइट ऑफ इट, सोलोमन और जॉन ने उसे हल्का करने की कोशिश की। एक्सप्रेसमैन कुड लिफ्ट इट, एक्सप्रेसमैन जो भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे आजकल मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उसे उठा लेंगे। एक्सप्रेसमैन वर यूज टू सच थिंग्स, एक्सप्रेसमैन ऐसी चीजें करने के आदी हैं, वो ये काम करते हैं। हमें इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत परेशानी होगी। वी वुड नॉट माइंड इफ वी गॉट इट टू द प्लेस, सेड एलिजाबेथ एलिजा, हमें बुरा नहीं लगेगा अगर हम इसे उस जगह पर ले जाएं, एलिजाबेथ एलिजा ने कहा। बट हाउ डू वी गेट इट देयर, मिस्टर पीटरकिन आस्क्ड विद अ साय, मिस्टर पीटरकिन ने आहें भरते हुए कहा कि लेकिन हम इसे वहां कैसे ले जाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्स्टेकल, सेड एगामेमनन, एगामेमनन ने कहा ये हमारी पहली रुकावट है, बाधा है। वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू कॉन्कर इट, और हमें इस पर विजय पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। व्हाट इज एन ऑब्स्टेकल, आस्क्ड द लिटिल बॉयज, ऑब्स्टेकल रुकावट या बाधा क्या है, छोटे लड़कों ने पूछा। इट इज द ट्रंक, सेड सोलोमन जॉन, सोलोमन जॉन ने कहा कि ये वो ट्रंक है। सपोज वी लुक आउट द वर्ड इन द डिक्शनरी, सेड एगामेमनन, एगामेमनन ने कहा अगर हम इस शब्द को डिक्शनरी में देखते हैं, टेकिंग द लार्ज वॉल्यूम फ्रॉम द ट्रंक, आ हियर इट इज, ज्यादा सा सामान ट्रंक में से निकालकर उन्होंने कहा ये यहाँ है। एंड ही रेड, और फिर उसने पढ़ा, ऑब्स्टेकल एंड इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल यानी बाधा क्या है, बाधा एक रुकावट है। दैट इज अ वर्स वर्ड देन द अदर, सेड वन ऑफ द लिटिल बॉयज, ये तो पहले वाले शब्द से भी बुरा शब्द है, छोटे लड़के ने कहा। बट लिसन टू दिस, एंड एगामेमनन कंटिन्यूड, और एगामेमनन बोलता गया पर इसे सुनो,
इम्पेडिमेंट इज समथिंग दैट एंटेंगल्स द फीट. इम्पेडिमेंट यानी रुकावट वो चीज है जो हमारे पैरों में फंस जाती है. ऑब्स्टेकल समथिंग दैट स्टैंड्स इन द वे. और ऑब्स्टेकल्स यानी बाधा वो चीज है जो रास्ते में होती है, हमें रास्ते में मिलती है. यानी कुछ काम करने चलते हैं तो जो रुकावट आती है वो बाधा है. ऑब्स्ट्रक्शन समथिंग दैट ब्लॉक्स अप द पैसेज. ऑब्स्ट्रक्शन यानी वो चीज जो हमारे रास्ते को अवरुद्ध करती है, रोकती है. हिंड्रेंस समथिंग दैट होल्ड्स बैक. और हिंड्रेंस क्या है, वो चीज जो हमें वापस खींच कर रखती है, रोक कर रखती है. द ट्रंक इज ऑल दीज, सेड मिस्टर पीटरकिन ग्लूमिली. मिस्टर पीटरकिन ने उदास होते हुए कहा कि ये ट्रंक वो सब चीज है. इट डज नॉट एंटेंगल द फीट, सेड सोलोमन जॉन, फॉर इट कांट मूव. ये हमारे पैरों में रुकावट नहीं डाल सकती क्योंकि ये हिल ही नहीं सकती. आई विश इट कुड, सेड द लिटिल बॉयज टुगेदर. काश ये हिल पाती, तीनों लड़कों ने एक साथ कहा. मिसेस पीटरकिन स्पेंट अ डे और टू इन टेकिंग द थिंग्स आउट ऑफ द ट्रंक एंड पुटिंग देम अवे. मिसेस पीटरकिन ने एक से दो दिन उसमें बर्बाद किए. सारी चीजें उन्होंने ट्रंक से निकाली और फिर वापस रखी. एटलीस्ट शी सेड, कम से कम उसने कहा, दिस हैज गिवन मी सम एक्सपीरियंस इन पैकिंग. इसने मुझे कम से कम पैकिंग करने का कुछ तजुर्बा दिया है, एक्सपीरियंस दिया है. एंड द लिटिल बॉयज फेल्ट एज इफ दे हैड ऑलरेडी बीन ऑन अ जर्नी. और छोटे लड़कों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पहले से ही यात्रा पर हैं. बट द फैमिली डिड नॉट लाइक टू गिव अप देयर प्लान. लेकिन परिवार अपनी योजना को छोड़ना नहीं चाहता था. इट वॉज सजेस्टेड दैट दे माइट टेक द थिंग्स आउट ऑफ द ट्रंक एंड पैक इट एट द स्टेशन. तो उन्होंने ऐसे सलाह दी कि हम इसे सारी चीजों को यहाँ तो निकाल लें, फिर जाकर स्टेशन पर पैक कर लें. द लिटिल बॉयज कुड गो एंड कम विद द थिंग्स. ये छोटे लड़के जाएंगे और चीजें लेकर आ जाएंगे. बट एलिजाबेथ एलिजा थॉट द प्लेस टू पब्लिक. लेकिन एलिजाबेथ एलिजा ने सोचा कि वो जगह बहुत पब्लिक होगी, मीन्स वहां पर बहुत सारे लोग होंगे. ग्रेजुअली द ओल्ड कंटेंट्स ऑफ द ग्रेट ट्रंक वेंट बैक अगेन टू इट. और धीरे धीरे उस ट्रंक के जो पुराने सामान थे, पुरानी चीजें थी, वो वापस उसमें चली गई. एट लेंथ अ फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली ऑफर्ड टू लेंड मिस्टर पीटरकिन अ गुड साइज्ड फैमिली ट्रंक. और कुछ दिनों के बाद उनके एक मित्र ने अनएक्सपेक्टेडली, यानी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, उसने उन्हें एक बड़ा सा फैमिली ट्रंक गिफ्ट किया. बट इट वॉज लेट इन द सीजन. लेकिन तब तक उस मौसम में देर हो चुकी थी. एंड सो द जर्नी वॉज पुट ऑफ फॉर दैट समर. तो उस गर्मियों में उस यात्रा को रोक दिया गया. बट नाउ द ट्रंक वॉज सेंट राउंड टू द हाउस एंड अ फैमिली कंसल्टेशन वॉज हेल्ड अबाउट पैकिंग इट. फिर वो ट्रंक दोबारा घर में आ गया और एक फैमिली कंसल्टेशन हुआ. यानी पूरे परिवार में विचार विमर्श हुआ कि इसे कैसे पैक किया जाए, क्या सामान पैक किया जाए. मैनी थिंग्स वुड हैव टू बी लेफ्ट एट होम. बहुत सारी चीजें हमें घर पर छोड़नी पड़ेंगी. इट वॉज सो मच स्मॉलर देन द ग्रैंड मदर्स हेयर ट्रंक. ये ग्रैंड मदर के ट्रंक से बहुत छोटा है. तो हम वो सारी चीजें नहीं ले जा सकते जो हमने उसमें रखी थी. बट एगामेमनॉन हैड बीन स्टडीइंग द एटलस थ्रू द विंटर एंड फेल्ट फैमिलियर विद द मोर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. लेकिन एगामेमनॉन पूरी सर्दियों में उस एटलस को पढ़ रहा था, तो बहुत सारी जगहों को वो जान गया था. सो इट वुड नॉट बी नेसेसरी टू टेक इट. तो ये ले जाना जरूरी नहीं होगा. And Mr. Peterkin decided to leave his trunk lath at home and his tool chest. और Mr. Peterkin ने decide किया कि वो अपना lath और अपना tool chest, tools का box घर में ही छोड़ देंगे. Again Mrs. Peterkin spent 2 days in accommodating the things. अब फिर से Mrs. Peterkin ने 2 दिन लगाए चीजों को box में fit करने में. With great care and discretion, बहुत सावधानी से उन्होंने सही निर्णय लिया. एंड बाय बोरोइंग 2 मोर लेदर बैग्स. और उन्होंने किसी से 2 चमड़े के बैग उधार लिए. इट कुड बी एकम्पलिश्ड, जिससे पैकिंग
पूरी हो सके। एवरीथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस कुड बी पैक्ड एक्सेप्ट द लिटिल बॉयज काइट। हर चीज जो जरूरी थी वो पैक हो गई केवल छोटे लड़कों की काइट को छोड़कर। व्हाट शुड दे डू अबाउट दैट, इसका उन्हें क्या करना चाहिए। द लिटिल बॉयज प्रपोज्ड कैरिंग इट इन देयर हैंड्स, और छोटे लड़कों ने कहा कि वो इसे अपने हाथ में ही उठा लेंगे। बट सोलोमन जॉन एंड एलिजाबेथ एलिजा वुड नॉट कंसेंट टू दिस, लेकिन सोलोमन जॉन और एलिजाबेथ एलिजा ने इसकी सहमति नहीं दी। I do think it is one of the cases where we might ask the advice of the lady from Philadelphia, said Mrs. Peterkin at last. अंत में Mrs. Peterkin ने कहा कि शायद ये वो केस है जिसमें हमें उस महिला की जो फिलाडेल्फिया से हैं, उनकी पड़ोसी हैं, उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। She has come on here. वो यहाँ आ गई हैं, said Agamemnon. Agamemnon ने कहा, and we have not been to see her this summer, और हम इस पूरी गर्मियों में उनसे मिलने नहीं गए, हमने उन्हें नहीं देखा। She may think we have been neglecting her, suggested Mr. Peterkin. Mr. Peterkin ने कहा, उन्हें लगता होगा कि हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। The little boys begged to be allowed to go and asked her opinion about the kite. छोटे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि हम जाएंगे उनके घर, हमें जाने दें और हमें उनकी सलाह लेने दें। They came back in high spirits. वो गए और जब वापस आए बहुत उत्साह में थे। She says we might leave this one at home. वो कहती हैं कि हमें इसे घर पर ही छोड़ देना चाहिए। And make a new kite when we get there. They cried. और वो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वहाँ पर अगर हमें जरूरत होगी तो हम एक दूसरी काइट बना लेंगे। What a sensible idea, exclaimed Mr. Peterkin. Mr. Peterkin खुशी से चिल्लाए, कितना समझदार आइडिया है ये। And I may have leisure to help you. और मेरे पास भी तुम्हें मदद करने के लिए समय होगा। We'll take plenty of newspapers, said Solomon John. Solomon John ने कहा, हम बहुत सारे newspapers ले जाएंगे। And twine, said the little boys, and this matter was settled. और साथ ही साथ सुतली ले जाएंगे, twine होती है मजबूत पतली सी रस्सी, छोटे लड़कों ने कहा, और इस तरह से ये मामला सेटल हो गया। The question then was, when should they go? और अब प्रश्न ये था कि उन्हें कब जाना चाहिए। So students, this was an interesting story. I hope you have understood the story. If you like the video, then press on like button, share this video with your friends and classmates, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with exercises of this chapter. Till then, bye-bye. Have a good day.